ना उसके अलावा आप देख सकते हो भाई यहाँ पे सारी सड़कें ऐसी है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं गांव की सड़कों पे, यहाँ एकदम फ्लैट सड़क है, हाईवे है, हाईवे पे चल रहे हैं अभी। और ना अभी मैं ना जो जेंद्र के घर आया हुआ, बहुत दिन बाद मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वैसे लगा मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये है गांव की सड़कें एकदम हाई क्लास, टू लेन है ना। उसके अलावा आप देख सकते हो भाई यहाँ पे सारी सड़कें ऐसी है। सरपंच कब बनाएंगे आगे नई सड़कें, कब बनाएंगी नई सड़कें? सरपंच नहीं मानते बात, सरपंच बात ही नहीं मानते आके। नमस्ते आई सिस्टिकल स्लॉलिकोम इट्स सो बॉय विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज जो है मैं हूँ राजावास के अंदर, और जो कल है ना, कल भी जेंद्र के घर आया था एंड आज भी आया हूँ। उसके अलावा ना यहाँ के भाई खेत देख लो, तगड़े खेत है एकदम। एंड ये रहा हमारा जेंद्र, और ब्रो बिग फैन। अच्छा सो अभी तो क्या है, अभी जेंद्र के घर चलेंगे और वहाँ मजे करेंगे भाई फुल। गाइस ये है जेंद्र का ब्रांड न्यू होम, यहाँ से ना होम ट्यूर चालू होगा। सबसे पहले ये आता है इन्वर्टर लाइट के लिए, और भी दिखा दे। ये है जेंद्र का ब्रांड न्यू होम, ब्रांड न्यू नहीं है थोड़ा सा, मतलब वो जो उधर वाला था ना वो नया है, इंडिया वाला भी मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। सब मस्त खुला, इतना बड़ा हॉल है भाई, इतनी अच्छी धूप आए, वीडियोस इतनी प्यारी बने आए हैं। हमारे घर के तो अंदर भाई धूप ही नहीं आती, और ऐसी धूप मिल जाए ना क्वालिटी मज़ा ही आ जाए भाई। एंड ना गाइस एक चीज़ और है कि ना अभी जेंद्र के सारे जो घर वाले ना बाहर गए हुए हैं, दीदी वगैरह अब भी गए हैं जस्ट बाहर, राखी वगैरह भी हमने बंधवा लिए, ये रही कोई वीडियो शूट करने वाला ही नहीं था भाई। वो तो सामने वाला घर है, ये पुराना वाला घर है, वो नया ये पुराना, वहाँ पे हुई थी दीदी की शादी। अभी तो जेंद्र अंदर ही है शायद भाई। ये कितना मतलब ऐसा घर भाई बहुत प्यारा होता है, कितना बड़ा हॉल, उसके बाद यहाँ मस्त बैठो झूला खाओ शाम को, मजा आ जाता है मतलब एकदम। सो अभी ना मैं और जेंद्र ही है घर पे सिर्फ, उसके अलावा अभी जस्ट नमकीन खाए, केक खाया, और क्या क्या खिला, क्या और क्या क्या खिला रहा है बाहर चलेंगे कहाँ पे। सो गाइस अभी घर पे पहुंच चुके हैं एंड ना भाई बहुत तेज नींद आ गई मेरे को सही में, तो मैं एक दो घंटे तो अभी सोऊंगा देन उसके बाद मिलेंगे। तो गाइस अभी मैं ना सोने जा रहा था, बट भाई एकदम से जियो फाइबर ठीक करने वाले भैया आ गए, तो मेरी नींद भी टूट गई भाई। सही बताओ ना 5 मिनट में नहीं सोया हूँ, अब उनको लेने जा रहा हूँ मैं। ये तरीके साइड है हमारे, एक तो लोकेशन को और भाई लफड़े हैं भाई, दो दो भैया आए मेरे को तो छोड़ गए, बताओ ऐसा थोड़ा ना होता है यार, एक तो उनको लेने गया और मेरे को छोड़ के चल गए, बताओ। सही बताऊँ ना गाइस, कल मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ था भाई, 2-3 दिन से तो परेशान ही हूँ, फाइबर चल नहीं रहा, ब्लॉग अपलोड करने के लिए भाई बहुत नेट लगता है, बहुत ही ज़्यादा। कंप्लेंट रिपेयर की थी सिर्फ, कौन सी कंप्लेंट करना पड़ेगा। सभी जियो फाइबर वाले भैया जा रहे हैं ठीक कर गए भाई एकदम अच्छे से। बाय भैया, इग्नोर मत करो यार इतना भी। लगातार 2-3 घंटे से बारिश हो रही थी, अब जाके भाई कहीं से बंद हुई है, एंड अभी बादल भी होते रहे काले, ऐसा तुम्हें को पता है कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, बट देखो थोड़ी थोड़ी पूरी गलियां गीली हो रही है भाई बारिश की वजह से, जो कपड़े ना भाई वो भी बाहर नहीं सुखा सकते, तो अभी तो देखो ऐसा जुगाड़ लगा रखा है वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रस्सी बांधी है, और जो भी गीले कपड़े थे ना वो यहीं पे सुखा दिए। एकदम से बारिश आई थी ना भाई, तब तो मैं तो सो ही रहा था, फिर एकदम से आरती चुल्ला और बारिश आ गई, फिर आरती गई कपड़े उठा के लाई, फिर भी थोड़े बहुत तो भीग ही गए थे। एंड अभी रात हो चुकी है, सबसे पहले खाना खाएंगे, बहुत तेज भूख लगी है भाई सही में। खाने में बन रहे हैं आज दाल जो है दोपहर के अंदर बनी थी, एंड चावल अभी अभी बने जस्ट गर्म गर्म, सो दाल एंड चावल। उसके अलावा अभी आरती रोटी बनाएंगे ठीक है। तू दोनों चीजें खाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा, सिर्फ एक रोटी। पापा को जो है ना बिल्कुल भी चावल पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो और मेरे को पसंद है भाई, ऐसा उल्टा है मेरे और पापा में, पापा को बिल्कुल चावल नहीं पसंद, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है,
तो पापा को ज़्यादा रोटी पसंद है, रोटी और दाल ठीक है पापा के लिए, मेरे को दाल चावल ज़्यादा पसंद है तो मैं दाल चावल खाऊंगा। तो गाइस अभी देख लो पूरा जो रोड है वो पूरा भीगा हुआ है, एंड अभी हम ना चाय पीने के लिए आए हैं, बस भैया ही चाय बनाएंगे थोड़ी देर में। तीन मोर तो यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग ना घर पे जा रहे हैं, आप बारिश भी देख सकते हो, मेरे को ना भाई थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है, सामने का तो कुछ दिखाई दे रहा, अंधेरा हो रहा है। सो अभी मैं और भीम और दीपांश हम तीनों घर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अब जाके जो मौसम है वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, बादल अब नहीं है भाई, वरना तो रात भर बारिश हुई है, मौसम ठीक ठाक हो रहा है, धूप तो होनी रही तो ये अच्छा है। अब देखते हैं कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मेरे साथ पता क्या हुआ रात को, मतलब ना मैं खाना खाया एंड ब्लॉग एडिट करने के लिए बैठ ही रहा था, उसको मतलब खाना खाने के बाद हम घूमने गए, फिर घर पे आया तो एकदम से बारिश चालू हो गई थी, फिर घर पे आके मैं देखा ना ब्लॉग एडिट करके फिर सो जाऊंगा बस, फिर मेरे फ़ोन में 2-3% ही बैटरी थी, तो मैं देखा एक बार चार्ज कर लेते हैं उसके बाद ब्लॉग एडिट करेंगे। चार्ज लगाया थोड़ी देर बेड पे, बस मतलब लेटा ही था भाई, लेट तो पहले ही नींद आ गई क्योंकि दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, उसके बाद वहाँ जेंद्र के घर गया था, इतने में मतलब भागा दौड़ी हुई तो मेरा शरीर भाई इतना नहीं है कैपेबल कि इतना ज़्यादा घूम सके। जैसे ही मैं बेड पे भाई लेटा ना, मेरे को उसी टाइम नींद आ गई, और फिर मेरी नींद खुली सुबह 7 या 8 बजे के करीब, एंड मैंने जितना ही अभी तक का ब्लॉग बना था ना वो एडिट किया, और वाईफाई भी अभी चल गया है, बट एक गलत बात हो गई कि रिचार्ज आज ही खत्म होगा, सो अब देखते हैं रिचार्ज तो करवाएंगे। इसका ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट के अंदर मेरी गलती मुझे ज़रूर बताना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम लिंक है, जाओ फॉलो करो। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय। सुबह सुबह मेरी आवाज़ ना ऐसी रहती है, थोड़ी चेंज हो जाती है सुबह सुबह, वापस ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, बाय। नहीं लगा दे तो मछली टांग दो, मछली तुम्हें जा रहा हूँ पीटे का फिर मार।